सीईआरटी के क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज के पॉलीनोमियल की जो सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत आसान है। आपने जो मैंने आपको डेफिनेशंस कंसेप्ट्स बताए हैं उससे आपकी एक्सरसाइज वन एकदम आसानी से हो जाएगी। जो आपकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नंबर है 2.2, उसके क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए ताकि आपका समय बचे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। इस पॉलीनोमियल की वैल्यू हमको इन इन वैल्यूज पे निकालनी है। तो मान लो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम एक्स की जगह जीरो रख देंगे और इसे बोर्ड मास रूल से कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया जीरो माइनस जीरो प्लस थ्री, थ्री। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो माइनस वन थोड़ा केयरफुली रखना, आप इस तरीके से रखना। तो ये जाएगा फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस वन का स्क्वायर वन, प्लस थ्री। तो ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव, माइनस फोर, प्लस थ्री, माइनस नाइन, प्लस थ्री, माइनस सिक्स। अब एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू पे आप डायरेक्ट कर लेना, मैं इसे बस केवल वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा फाइव टू जै टेन, टेन प्लस थ्री थर्टीन, माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर सिक्सटीन, थर्टीन माइनस सिक्सटीन माइनस थ्री। अब आप चेक करना और चेक करने के बाद मुझे बताना कि आपका आंसर सही है कि गलत है। इस केस में देखो, इस केस में अब थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है। फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। तो पी ऑफ जीरो, इसके लिए पी ऑफ जीरो होगा तो वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा, जीरो। इसके लिए पी ऑफ वन तो वाई की जगह वन, पी ऑफ टू तो वाई की जगह टू। इससे अगर निकालना है पी ऑफ जीरो तो टी की जगह जीरो रखना पड़ेगा। टी की जगह वन रखेंगे तो पी वन आएगा, टी की जगह टू रखेंगे तो पी टू आएगा। इस तरीके से जैसे आपको इसके सामने निकाल के बताता हूँ मैं आपको, पी जीरो निकालना है इसमें तो वाई की जगह जीरो रखो, जीरो माइनस जीरो प्लस वन, वन आ गया। पी ऑफ वन निकालना है तो वन रखो, वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन वन कैंसिल, ये आ गया वन। अगर दूसरा केस है पी ऑफ टू निकालना है तो पी ऑफ टू निकाल दो, तो p ऑफ टू वैसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, तो फोर प्लस वन फाइव, माइनस टू थ्री। अब देखो आपको इससे क्या निकालना है, pt से निकालना है p जीरो, तो आपका p जीरो हो जाएगा, t की जगह जीरो रख दो तो आपके पास आएगा टू। p वन निकालना है आपको तो यहाँ पे वन डाल दो, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू इंटू वन फाइव, फाइव माइनस वन फोर, और पी टू आप खुद निकालना। इसके जो दो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करना और फिर मुझे लिख बताना। अब आपको एक नई चीज है, उसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल के जीरोज। तो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, तो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल उसको कहते हैं कि जब पी ऑफ एक्स के जीरोज को इस पॉलीनोमियल का जीरो है, मान लीजिए कि इसका जीरो है जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल इज एक्स इज इक्वल टू वन या एक्स इज इक्वल टू ए इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। ए रखने में हमें एक्स की जगह ए रखें और पॉलीनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उसको जीरो ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास पॉलीनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, अब हमें एक्स की जगह क्या रखेंगे, थ्री रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू, क्या ये जीरो हुआ, ये जीरो नहीं हुआ। पर अगर एक्स की जगह क्या रख देंगे, हम टू रख देंगे, तो क्या बन गया, ये इसका जीरो बन गया। तो इसका जीरो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज टू, जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज टू, इस पॉलीनोमियल का जीरो, जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज एक्स इज इक्वल टू टू। अगर कोई और पॉलीनोमियल जो एक्स की जगह आर में लिखा हो, टी में लिखा हो, यू में लिखा हो, जैसे कि एक पॉलीनोमियल है पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फोर, तो अब आपको इसके जीरो क्या हो सकते हैं, तो आप अंदाज लगाइए कि इसके जीरो क्या हो सकते हैं। तो इसका जीरो वन हो सकता है क्या, तो वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री, नॉट जीरो। तो फिर क्या रखने में जीरो होगा, तो आपका दिमाग चल रहा होगा कि एक्स टी की जगह टू रख देंगे तो ये हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब टू इसका क्या हो गया,
टू इज अ जीरो। ऐसा एक और जीरो मिल सकता है इसमें, वो हो सकता है माइनस टू, माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर, माइनस का स्क्वायर प्लस, टू स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर कितना, जीरो। तो माइनस टू भी इसका एक जीरो है, माइनस टू इज अ जीरो। तो एक पॉलिनामियल के जीरो हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही जीरो हो। जैसे इसमें आपने देखा कि कितने जीरो हो गए, इसमें दो जीरोज हो गए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या, नहीं। वो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा इस पे, किस पे डिपेंड करेगा, उसकी पावर पे। पावर से ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते, पावर से ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते। यानी अगर इसकी पावर दो है तो इसका मतलब ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिसमें जो टी की, जो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी दो वैल्यूज ही मिल सकती हैं, मैक्सिमम दो वैल्यू, दो से ज़्यादा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि अगर एक, इफ दिस इज अ पॉलीनोमियल देन हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल, तो इसके कितने जीरोज पॉसिबल होंगे। तो इसके जीरोज आप बता दीजिए कि इफ इट्स पावर इज टू, अगर इसकी डिग्री टू है, डिग्री क्या चीज़ है, जो इसका कोफिशियंट है, ध्यान से सुनना है, डिग्री क्या चीज़ है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल ए नॉट एक्स एन, ए वन एक्स एन माइनस वन अप टू ए एन, ये पॉलीनोमियल है। इसमें इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज, डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज एन, पॉलीनोमियल इज एन इन व्हेन इफ ए नॉट इज नॉट जीरो। लेकिन उसका कोफिशियंट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, जैसे आपके पास है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री तीन हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है, हाईएस्ट डिग्री टर्म थ्री एक्स स्क्वायर है। तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसमें जो एक्स की पावर होती है वही उसकी क्या बन जाती है, डिग्री। लेकिन कभी ऐसा हो, कभी मान लो कि कभी ऐसा हो आपके पास कि एक एक, एक आपके पास पॉलीनोमियल है 4x प्लस 7 और कोई ऐसा लिख देगा कि इसको ऐसा लिख दिया हमने या इसको और आगे बढ़ा दिया, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री तीन हो जाएगी क्या, नहीं, क्या दो हो जाएगी, नहीं, इसकी डिग्री कितनी रहेगी, वन। क्यों, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल इज एन, एन कब होगी, जब ए नॉट इज व्हाट, ए नॉट इज नॉट जीरो। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये कोफिशियंट है हाईएस्ट डिग्री टर्म का, हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी, इस केस में, इस केस में हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन है, एक्स की पावर वन, और उसका कोफिशियंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जैसे सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एट, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री ये है और उसका कोफिशियंट क्या है, नॉन जीरो। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, टू। अगर ऐसे लिख दिया अपन ने, इसको 1 बाय 7 लिख दिया, 4 बाय 7 लिख दिया, 3 बाय 7, तो भी इसकी डिग्री कितनी होगी, 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशियंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे पॉलीनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशियंट नॉन जीरो हो, तो वो जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही पॉलीनोमियल की डिग्री बन जाती है। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे, उससे ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 जो है उसमें लिखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, जो उनके सामने लिखे हैं वो जीरोस उसके हैं कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये x की जगह डाल दो माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 1/3, इंटू है तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिया तो भी काम करेगा और इनटू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और लिख दो तो प्रॉब्लम नहीं है। ये कैंसिल हो गए, माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, जीरो। तो ये इसका जीरो है, कौन, ये इसका जीरो है, और इससे ज़्यादा जीरो भी नहीं हो सकते क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, एक है। तो इसके जीरोस कितने हो सकते हैं, इसका जीरो एक ही हो सकता है। इधर वाले में क्या है, एक्स की जगह क्या डालेंगे अपन, इसमें एक्स की जगह क्या डालेंगे, 4/5, तो 4/5 डाल दिया हमने, तो 5 × 4/5 माइनस पाए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाए, पाए की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो ये नॉट जीरो है, ये क्या है, नॉट जीरो। अगर ये नॉट जीरो है तो ये इसका जीरो नहीं है, दिस इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का जीरो नहीं है। क्या होगा वो बाद में देखेंगे अपन। अब देखो इसमें x की जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, 0।
माइनस वन डालेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन माइनस वन, तो ये इसका जी, और इसकी पावर कितनी है दो, तो इसके जीरोस कितने हैं दो। देखो ये वाला केस देखो, इसमें देखो अगर हम इसमें एक्स की जगह क्या डाल दें माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा पी ऑफ माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, जीरो इंटू माइनस थ्री इज जीरो। इसी तरीके से टू डालोगे आप तो टू प्लस वन थ्री, टू माइनस टू जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, तो ये इसका है। इस केस में देखो, इस केस में अगर हम एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसका ये जीरो है। लेकिन आप इसमें देखो इसकी पावर कितनी है दो, पर जीरो कितना है उसका एक, क्योंकि दूसरा वाला जीरो भी सेम है, दूसरा वाला जीरो भी कैसा है सेम है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जीरोस कैसे हो जाते हैं उसके एक जैसे हो जाते हैं, तो हमको एक ही दिखता है। अब हमको अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर में ये पूछा है कि इनके जीरोस पहचानना है, क्वेश्चन नंबर फोर में जीरो पहचानना है, फाइंड दी जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला केस देखो आप, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब आप एक अंदाज लगाओ कि एक्स की जगह क्या रखेंगे कि इसको जीरो बना दे, तो आप एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस फाइव रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव प्लस फाइव, तो इसका एक जीरो कौन हो गया माइनस फाइव। और दूसरा केस देखो आप, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है एक्स माइनस फाइव, यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ एक्स की जगह क्या रखोगे नेचुरली फाइव रखोगे। आपको थर्ड और फोर्थ फिफ्थ में से थर्ड कुछ ठीक है, थर्ड देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, तो एक्स की जगह क्या डालेंगे आप, एक्स की जगह क्या डालेंगे कि ये जीरो हो जाए। तो आप फिर अगर ऐसा दिमाग लगाना है कि क्या डालेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इधर टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो ऐसे निकाल के एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो फाइव उधर चला गया तो कितना हो जाएगा माइनस फाइव टू एक्स, एक्स की जगह ये टू नीचे चला गया तो माइनस फाइव बाय टू, तो इसका जीरो कौन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू। ये ट्रिक से हमने निकाल लिया, आप अंदाज से भी निकाल सकते हो, गेस करके भी निकाल सकते हो। फोर्थ इज सेम एज क्वेश्चन नंबर थ्री, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑलमोस्ट सेम है, तो सिक्स वाला करते हैं हम। इसमें सिक्स लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। अब इसमें x की जगह क्या डालें कि ये जीरो हो जाए, तो ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि x की जगह अगर जीरो डाल दें तो a इंटू जीरो विल बी जीरो, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो। अब इसका जो सेवेंथ वाला पार्ट है वो है p ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसमें x की जगह क्या डालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है उसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए जीरो से इक्वेट करके, तो सी एक्स प्लस डी को जीरो से इक्वेट करो, सी एक्स डी उधर गया तो माइनस डी हो जाएगा, सी नीचे चला गया तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, तो इसका जीरो कौन हो जाएगा उस केस में, इसका जीरो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो ये हमने क्वेश्चन, हम ये एक्सरसाइज 2.2 जो थी, और मेरे ख्याल से अभी 10 मिनट ही हुए होंगे और हमने 10 मिनट में इस एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर दिया। 2.1 जो है एक्सरसाइज आप उसको सॉल्व करें और उसका रिस्पांस जरूर से मुझे लिखें। इन केस इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट और फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज़ लेट मी नो, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।